अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया ताकि गार्डनिंग से जो भी रिलेटेड वीडियो रहेगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आज हम आपको ऐसा आम के बारे में बताएंगे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे फेमस और सबसे महंगा में से एक आम माना जाता है। वो काफ़ी महंगा दामों में बिका जाता है। वैसे देखा जाता है हमारे इंडिया में भी काफ़ी महंगा महंगा आम बिकता है, मगर उसमें से सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा होता है। पर विदेश में देखा जाए तो ऐसा बहुत सारा किस्म से काफ़ी महंगा में से महंगा बिकता है और काफ़ी ज़्यादा रंग रूप के कारण काफ़ी ज़्यादा महंगा में से एक बिका जाता है। तो मैं पांच आपको ऐसा वैरायटी बताता हूँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा बिकने वाले आम में से एक माना जाता है, काफ़ी महंगा बिकता है। तो जो पहला नंबर पे है वो है आपका इरविन। इरविन आम ये अमेरिका का सबसे बेस्ट एक हाइब्रिड किस्म का वैरायटी है और ये आपको देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जापान, चाइना और भी साउथ कोरिया, बाकी जगह भी इसका खेती काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है, काफ़ी अच्छा फसल भी देता है। और ये देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर में से एक वैरायटी माना जाता है और ये काफ़ी महंगे दामों में बिका जाता है। इसका रंग रूप के कारण इसका काफ़ी ज़्यादा महंगा आम है और इरविन आम विदेश में सबसे फेमस में से एक आम माना जाता है और इसका जो टेस्ट और रंग के कारण ये काफ़ी ज़्यादा फेमस आम है और काफ़ी महंगा आम बिकता है। तो ये सबसे बेस्ट और सबसे महंगा में से एक आम माना जाता है। और दूसरा जो है, दूसरा है आपका अल्फांसो। अल्फांसो इंडिया का आम है और ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में आपको इसमें इसका खेती किया जाता है और ये भी हम देखा जाए तो पूरी दुनिया में काफ़ी महंगा में से एक आम माना जाता है और काफ़ी महंगा दामों में इस पूरी दुनिया में ये भी बिकता है। और इसका जो ज़्यादा करके खासियत है वो है आपका इसमें विटामिन ए सी की कमी। विटामिन ए सी में इसमें बहुत सारा है, साथ ही साथ देखा जाए तो ये आम जो होता है ना वो आपका रंग रूप के कारण भी है और इसका सुगंधित मिठास के कारण ये पूरी दुनिया में छाया हुआ है और इसका टक्कर देने वाला अभी तो कोई आम आया नहीं है। पूरा दुनिया में देखा जाए तो नंबर वन आम यही आता है। अल्फांसो काफ़ी बेस्ट और एक अच्छा वैरायटी में से एक माना जाता है। तो आप अल्फांसो काफ़ी ज़्यादा दुनिया में बिकने वाला आम होता है। अब तीसरा नंबर पर है, तीसरा नंबर पर है आपका हेडन। हेडन मैंगो भी काफ़ी अच्छा मैंगो होता है और ये अमेरिका में इसका पैदावार हुआ था और ये देखा जाए तो ये भी अभी ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जगह काफ़ी जगह विदेशों में उगाया जाता है और ये भी वन ऑफ द बेस्ट मैंगो में से एक मैंगो बाजार माना जाता है। काफ़ी महंगा दामों में बिकता है। इसका रंग रूप के कारण ये काफ़ी बेस्ट और एक अच्छा वैरायटी है और ये आम काफ़ी फेमस आम है अमेरिका का और विदेशों में काफ़ी ज़्यादा इसका खेती किया जाता है। तो काफ़ी बेस्ट में से एक बेस्ट आम ये भी होता है। अब जो आपका चौथा नंबर पे है, चौथा नंबर पे है नामडोकमई मैंगो। नामडोकमई मैंगो देखा जाता है थाईलैंड का सबसे बेस्ट और एक अच्छा वैरायटी है और इसका मिठास और इसका फलन काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका खेती अभी देखा जाए तो विदेशों में बहुत जगह इसका होना चालू हो चुका है, जैसे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया में भी इसका खेती किया जाता है और बेस्ट में से बेस्ट आम ये भी माना जाता है। नामडोकमई मैंगो काफ़ी अच्छा वैरायटी है, ये भी एक हाइब्रिड किस्म का वैरायटी है और देखा जाए तो ऑल ओवर विदेश में इसका काफ़ी अच्छा इसका नाम है नामडोकमई मैंगो का और काफ़ी महंगों में से एक आम ये भी बिका जाता है। काफ़ी बेस्ट वैरायटी नामडोकमई मैंगो है। अब जो आपका लास्ट और पांचवा नंबर पे है, लास्ट और पांचवा नंबर पे है आपका रेड आइवरी। रेड आइवरी मैंगो देखा जाए तो ये चाइना और थाईलैंड दोनों जगह इसका खेती किया जाता है और चाइना में इसका काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, मैंगो में से एक मैंगो माना जाता है। रेड आइवरी मैंगो बड़ा साइज का होता है और इसका जो आकार देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होता है, मिठास काफ़ी अच्छा इसका होता है, इसका रंग रूप भी काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ देखेंगे तो ये आम होता है इसका गुठली नाक के बराबर होता है, बहुत छोटा रहता है। इतना बड़ा आम में आप देखेंगे तो गुठली एकदम छोटा मिलता है, इसके कारण ये आम काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये आम काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है। बाकी विदेशों में ये आम इम्पोर्ट किया जाता है, अब विदेशों में ये आम का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है और काफ़ी महंगा में से महंगा आप ये भी बिकता है। तो रेड आइवरी भी काफ़ी बेस्ट और एक अच्छा वैरायटी है और ये भी आप देखा जाता है थाईलैंड में भी इसका खेती किया जाता है और चाइना में भी किया जाता है। चाइना में इसका बहुत ज़्यादा खेती होता है अभी के डेट में रेड आइवरी का और बेस्ट मैंगो में से एक मैंगो ये भी माना जाता है। तो जो ये पाँच वैरायटी बोला हूँ, ये पाँच वैरायटी काफ़ी बेस्ट होता है दुनिया में, बहुत ज़्यादा महंगा आम में से ये एक आम बिकता है। तो पांच आम काफ़ी टॉप पे लिस्ट पे आता है जो सबसे ज़्यादा महंगा में से बिकता है और काफ़ी अच्छा वैरायटी होता है। ऐसे तो देखा जाए तो आम को बहुत सारा किस्म है, अब बहुत सारा ऐसा हाइब्रिड वैरायटी भी है विदेशों में जो काफ़ी महंगा दामों में बिका जाता है, मगर ये जो पाँच है ना ये पाँच काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है और काफ़ी महंगा में बिकता भी है। तो ऐसा ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिया ताकि फिर मिलूँ अगले वीडियो के लिए। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।